तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, आज आपको जानकारी दूंगा वृष लग्न में चंद्रमा का फल, यानी कि चंद्रमा का प्रिय रत्न मोती धारण करें या ना करें। दोस्तों, सोमवार के दिन यह रत्न धारण किया जाता है। मैं हूं मनविंदर रावत, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। वृष लग्न के अंदर चंद्रमा के पास तीसरे भाव की जिम्मेदारी आ जाती है, थर्ड हाउस, जो कि विल पावर पराक्रम का होता है। और वृष लग्न का स्वामी होता है शुक्र, और चंद्रमा का यह शत्रु होता है शुक्र। इसलिए वृष लग्न के अंदर जो चंद्रमा है वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि लग्न जो है वो उसके शत्रु की हो जाती है। अब आप ध्यान से सुनिए कि यदि वृष लग्न के अंदर लग्न में ही चंद्रमा बैठा है तो आप इसका रत्न पहन सकते हैं दशा अंतर दशा में। कारण यह है कि यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमा उच्च के होंगे तो आपके साहस के लिए, आपके लाभ के लिए और स्वयं के व्यक्तित्व के लिए यह रत्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप दशा अंतर दशा में पहने कोई दोराय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहन सकते हैं, लाभ मिलेगा। यही चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा हो, धन के अंदर बैठा हो, तो धन में बैठने से यदि यहां पर धन को लेकर के परेशानी रहती हो तो ही पहने। यदि आपके पास संतुलित पैसा है और मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है धन को लेकर के, तो आप रत्न ना पहने, मैं यही रिकमेंड करूंगा। तीसरा भाव, यह भाव विल पावर का होता है। यहां पर चंद्रमा बैठेगा तो स्वय राशि का हो जाएगा। स्वय राशि का होगा, अपनी ही राशि में होगा। चंद्रमा की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, आप मोती नग पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाभ मिल जाएगा, साहस भी बढ़ जाएगा, छोटे भाई बहनों से प्यार भी प्राप्त होगा और चीजें कहीं ना कहीं व्यवस्थित भी हो जाएंगी। चतुर्थ भाव, यहां पर यदि चंद्रमा बैठता है चतुर्थ भाव में, यानी कि सिंह राशि के अंदर, तो आपको इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठता है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठा है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में है तो, अन्यथा ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी मन का कारक होकर के मन के भाव पर बैठा हुआ है तो उसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो गया है तो चंद्रमा को बल दिया जा सकता है ताकि मन मजबूत हो। पंचम भाव, यदि यहां बैठा है तो इसका रत्न कभी धारण ना करें। इसका रत्न धारण करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि इस भाव में चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, शत्रु की राशि में आ जाता है, शुभ फलदायक नहीं रहता। छठा भाव जो होता है वो रोग चोट बीमारियों का होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर छठे भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठेगा तो आपको इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। एक तो शत्रु राशि में हो जाएगा, दूसरा रोग चोट बीमारी के घर में चला जाएगा, इनमें वृद्धि कर देगा, धन का नुकसान कर देगा। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत बिल्कुल भी ना करें, चंद्रमा से परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का दान ही आपको करना चाहिए। सप्तम भाव, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण विवाह का भाव होता है, यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठता है तो यहाँ आपको चंद्रमा का रत्न मोती इसलिए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, और नीच के चंद्रमा को यहाँ पर मजबूत नहीं करना चाहिए। यदि मजबूत आप नीच के ग्रह को करेंगे, यानी चंद्रमा को मजबूत करेंगे, तो ये और ज़्यादा नीचता लेके आएगा, तो वैवाहिक जीवन में और ज़्यादा तनाव की स्थिति को पैदा कर देगा। अष्टम भाव, जो कि आपकी आयु का होता है, इस भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो ये इस भाव में बैठने से जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देता, अच्छा फल देने में सक्षम नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर आपको इससे बचना चाहिए, और अपनी राशि जो है उससे ये छठे चला जाता है। अपनी राशि से छठे होने के कारण आपको नुकसान पहुँचाएगा आपके स्वास्थ्य के अंदर, इसलिए भी आपको चंद्रमा का रत्न यहाँ पर नहीं धारण करना चाहिए। यदि चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, नवम भाव जो कि भाग्य का होता है, यहाँ पर आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, यहाँ मोती आप पहन सकते हैं। दशा में, अंतर दशा में आप इस रत्न को पहनिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं आता है, इनफैक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी ही राशि को वहाँ बैठ करके देखेगा,
भाग्य उदय करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा और पिता के साथ संबंध अच्छे करेगा, साथ में छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दशम भाव जो कि कर्म का होता है, कर्म भाव के अंदर जब चंद्रमा जाएगा, दशम भाव के अंदर जाएगा, तो यहाँ इसका रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अपनी राशि से अष्टम चला गया और अपनी राशि से अष्टम कोई ग्रह चला जाता है तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6, 8 और 12 जो होते हैं ये अच्छे भाव नहीं होते हैं, और चंद्रमा की जो अपनी राशि है 4 नंबर की तीसरे भाव में, वहाँ से अष्टम दशम भाव पड़ेगा, तो यहाँ दशम भाव में बैठने से उसको नुकसान यहाँ पर होगा, इसलिए आपको नहीं पहनना चाहिए। आगे बात करना चाहूँगा 11वें भाव की, जो कि लाभ का होता है, 11वें भाव का काम लाभ देने का होता है। इस भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप लाभ प्राप्ति के लिए इस रत्न को पहन सकते हैं, यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में है तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनफैक्ट लाभ बढ़ जाएगा, बिजनेस में भी आपको कहीं ना कहीं उछाल आएगा और चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्थित होने लगेंगी। 12वें भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो यहाँ पर इसका रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, 12वें भाव में यदि आप इसका रत्न धारण करते हैं तो आपको नुकसान होगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दोस्तों ये था आपका वृष लग्न के अंदर चंद्रमा का रत्न का फलादेश। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मुलाकात करूंगा, अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी